हेलो क्लास, वेलकम टू द प्रोडक्ट साइंस क्लास एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल चेंज एंड रिएक्शन। द लास्ट क्लास वी हैड डिस्कस अबाउट आल्सो द केमिकल रिएक्शंस एंड चेंजेस, है ना, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड हीट एंड टेम्परेचर एंड विच गैस इज इवॉल्व आर नॉट इवॉल्विंग। दीज टॉपिक्स वी हैड डिस्कस ऑन द लास्ट क्लास एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थ्री टाइप्स हो गए। उसके बाद एक और हमारी बचती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये फोर टाइप्स की हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो आज हम उनमें से सबसे फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इट्स ऑल्सो कॉल्ड द सिंथेसिस रिएक्शन। सिंथेसिस रिएक्शन इज ऑल्सो दैट मीन कि जो हमें डायरेक्ट सिंथेसाइज करके जो चीज मिलती है ना, वो कहलाती है हमारी सिंथेसिस रिएक्शन। तो जो हमारी डायरेक्ट रिएक्शन होती है ये हमारी कई तरह से होती है। सबसे पहले एलिमेंट के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, कंपाउंड मिलता है। तो एलिमेंट कार्बन, एलिमेंट ऑक्सीजन, इट गिव्स द CO2 कंपाउंड, है ना। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स द कार्बन डाइऑक्साइड, इट मीन्स एलिमेंट एंड एलिमेंट रिएक्ट एंड गिव्स द कंपाउंड। देन कंपाउंड प्लस एलिमेंट गिव्स द न्यू कंपाउंड, कंपाउंड CO कार्बन डाइऑक्साइड, देन एलिमेंट ऑक्सीजन एंड न्यू कंपाउंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये हमारा कंपाउंड है क्योंकि इसमें C और O दो एलिमेंट्स हमारे मिलके क्या बना रहे, कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद एलिमेंट हमने ऑक्सीजन लिया, इसकी रिएक्शन करने पे हमको 2 CO2 मिल जाएगा। देन कंपाउंड प्लस कंपाउंड गिव्स द न्यू कंपाउंड, ए कंपाउंड CO2 देन H2O वाटर, इट गिव्स द H2CO3। ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट के हमें दे देता है। तो हमें इससे तीन रिएक्शंस मिली डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से। पहली तो एलिमेंट प्लस एलिमेंट्स गिव कंपाउंड, कंपाउंड प्लस एलिमेंट गिव्स न्यू कंपाउंड, कंपाउंड प्लस कंपाउंड गिव्स द न्यू कंपाउंड। ठीक है, अब हम इनके कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। कौन कौन से एग्जांपल्स हैं? सबसे पहले ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स एंड मेटल्स। मेटल और नॉन मेटल को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमें क्या मिलता है? तो इनकी कुछ हमने नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन कराई, कुछ मेटल्स के साथ। तो नॉन मेटल के साथ जैसे सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव्स द सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स द कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो हमारी एलिमेंट प्लस एलिमेंट वाली है ये इनके कॉम्बिनेशन को प्रूव करती है। ठीक है, कि ये एलिमेंट प्लस एलिमेंट गिव्स द कंपाउंड। तो सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव्स द सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स द कार्बन डाइऑक्साइड, दीज आर द नॉन मेटल्स। देन 4Na प्लस ऑक्सीजन गिव्स द 2Na2O सोडियम ऑक्साइड। सोडियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन की सोडियम हमारा क्या है, मेटल है, कैल्शियम हमारा मेटल है। मेटल्स के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन करने में हमें मेटल ऑक्साइड और क्या मिल जाता है, इससे नॉन मेटेलिक और इससे मेटेलिक ऑक्साइड। अब हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ, इसको रिएक्शन बोलते हैं, रिएक्शन का शॉर्टकट होता है RxN, रिएक्शन ऑफ एसिडिक ऑक्साइड्स एंड बेसिक ऑक्साइड्स विद वाटर। जब हम एसिड ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड के साथ वाटर की रिएक्शन करते हैं, ये हमारा एसिडिक ऑक्साइड है, इसके साथ वाटर की रिएक्शन की तो इसने क्या दिया, सल्फ्यूरस ऑक्साइड, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। अगर SO4 होता तो ये क्या देता, सल्फ्यूरिक एसिड। SO3 है तो क्या दे रहा है, सल्फ्यूरस एसिड दे रहा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स द H2CO3 कार्बोनिक एसिड देगा, क्या देगा ये, कार्बोनिक एसिड। तो ये हमारे एसिडिक ऑक्साइड्स हैं हमारे। अब हम बात करते हैं बेसिक ऑक्साइड्स की। यहाँ पे H लगा है, इससे समझ लीजिए जहां पे हमारा H पॉजिटिव होता है वो एसिडिक होता है, और जहां पे हमारा OH निगेटिव होता है वो क्या होता है, बेसिक होता है, है ना। तो Na2O प्लस H2O गिव्स द NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज द बेसिक ऑक्साइड। एंड नाउ CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वॉटर गिव्स द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट्स ऑल्सो अ बेसिक ऑक्साइड। दीज टू आर बेसिक ऑक्साइड्स एंड दीज टू आर एसिडिक ऑक्साइड्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट की। सॉल्ट के प्रिपरेशन की बात करें तो मेटालिक एलिमेंट की नॉन मेटालिक एलिमेंट्स के साथ करते हैं तो हमें ये सोल्युबल और इनसोल्युबल सॉल्ट्स देता है। मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन करने में हमें क्या देता है, ये हमें देता है ये
सॉल्युबल और इनसॉल्युबल सॉल्ट्स देता है, ठीक है। तो जब हम एल्यूमिनियम की क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या दे देता है, ये AlCl3 दे देता है। क्या दे देता है? AlCl3 दे देता है, जो कैसी होती है, ये सॉल्युबल होता है, ठीक है। आयरन की क्लोरीन के साथ करने में FeCl3 बनता है, जो भी कैसा होता है, ये भी हमारा, ये भी सॉल्युबल होता है, ठीक है। आयरन की सल्फर के साथ करने में हमारा आयरन सल्फाइड बनता है, ये क्या देता है, ये कैसा होता है, ये हमारा इनसॉल्युबल होता है। ये सब हमारे सॉल्ट्स हैं, बट लेकिन क्या है, ये दो हमारे सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं और ये हमारा इनसॉल्युबल है, और ये भी कैसा है, इनसॉल्युबल सॉल्ट है, ठीक है। तो ये था हमारा डायरेक्ट कॉम्बिनेशन की बात, इनके और भी कुछ रिएक्शंस हैं। अमोनियम क्लोराइड बनता है, इससे हमारा मैग्नीशियम कार्बोनेट बनता है, वाटर बनता है, हीट इवॉल्व होता है। इसके कुछ और रिएक्शंस मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारी जनरल रिएक्शंस थी जो मैंने आपको बताई हैं। अब हम इसमें कुछ और डिस्कस करते हैं, ठीक है, कुछ जिससे जो हमें मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है। ये जो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है, इसके थ्रू हम मैन्युफैक्चरिंग में भी हेल्प लेते हैं, जैसे कौन कौन सी रिएक्शंस है हमारी। देखते जाते हैं हमारी डायरेक्ट कॉम्बिनेशन के और कौन सी रिएक्शंस हैं। सबसे पहले जो हमारी डायरेक्ट कॉम्बिनेशन की रिएक्शंस हैं, उनमें हमारा आ जाएगा बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारा कैसे बर्न होगा, तो कैसे बर्न होगा ये, इसके बारे में अगर हम पढ़ते हैं, तो हाइड्रोजन है हमारा और इसके साथ ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये क्या दे देता है, वाटर दे देता है, ठीक है। और हीट हमारी इसमें क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, निकल रही है, तभी पॉजिटिव होती है, जब एब्जॉर्ब होती है तो माइनस में होती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, मैन्युफैक्चर, मैंने भी आपसे बताया था ना कि हम कुछ उसके बारे में भी पढ़ेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग में भी ये हमारा यूज होता है। जैसे हमारा था N2+3H2 gives 2NH3, ठीक है। इसमें कंडीशन क्या होती है, जो इसका टेम्परेचर होता है, इसमें जो टेम्परेचर है वो हम लेते हैं 450 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। उसके बाद प्रेशर कितना होता है, प्रेशर हमारा 200 to 900 एटॉमिक प्रेशर होता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है हमारा। कैटलिस्ट के फॉर्म पे हम इसमें आयरन यूज कर लेते हैं, क्या यूज कर लेते हैं, आयरन। तो ये हमारा अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग में भी ये डायरेक्ट कॉम्बिनेशन यूज होता है, ये हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ठीक है। कैसी होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो जब हम इसमें हाइड्रोजन की बर्निंग कराते हैं तो हमें वाटर मिलता है, और जब हम इसमें मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया करते हैं तो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स द अमोनिया। टेम्परेचर रेजेस 450 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर विल बी 200 to 900 एटॉमिक प्रेशर एंड कैटलिस्ट वी विल यूज द आयरन, ठीक है। ये थी हमारी इसकी प्रिपरेशन। अब हम इसकी सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन में भी ये यूज होता है, प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 दैट्स कॉल्ड द सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड की जो हमारी रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, SO3 होता है प्लस वाटर होता है, तो ये क्या दे देता है, H2SO4। H2 ये हो गया, S ये हो गया, O3 और वो कितना हो गया, H2SO4 हो गया, ठीक है। इसी तरह क्लोरीन की प्रिपरेशन में भी यूज होता है ये, प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन, प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन की प्रिपरेशन में कैसे यूज होगा, ये जो क्लोरीन की प्रिपरेशन होती है उसमें क्या क्या लेते हैं, ये
hydrogen plus chlorine, it gives the 2HCl. इसमें भी वही है, जो हमारा प्रेशर होता है वो कितना होता है, जो कंडीशन होती है इसमें सनलाइट लेते हैं और इसमें मॉइस्चर एज अ कैटेलिस्ट यूज करते हैं क्योंकि वो वाटर के फॉर्म में यूज होता है हमारा। ठीक है, तो ये कुछ हमारे डायरेक्ट कॉम्बिनेशन के रिएक्शन हैं, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, अदर एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसी तरह इसमें लाइम स्टोन के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, बता देती हूँ एक दो रिएक्शन और है। लाइम स्टोन हो गया आपका, क्या कहते हैं लाइम स्टोन को, कैल्शियम का तो है ये प्रोडक्ट, लेकिन क्या होता है इसका फॉर्मूला मैंने बताया था आप लोगों को उस दिन, बताइए क्या होता है लाइम स्टोन का फॉर्मूला, नहीं पता है आप लोगों को। जो लाइम स्टोन का होता है वही हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ लाइम स्टोन। सबसे इजी रिएक्शन है, कुछ नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड ले लीजिए प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जैसे ही हम कैल्शियम को वाटर के कांटेक्ट में लाते हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने लगती है। ठीक है, तो ये क्या देता है हमें, CaCO3, और यही कहलाता है हमारा लाइम स्टोन या फिर कहलाता है कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं हम इसको। और ये कैसी होती है, ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये हमारी यूज होती है। ठीक है, ये था हमारा फॉर्मेशन ऑफ लाइम स्टोन। तो ये हमारे डायरेक्ट कॉम्बिनेशन के रिएक्शन है। इसके बाद हम डीकम्पोजिशन पढ़ते हैं। इसमें डायरेक्ट कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो गया, जब आपस में डायरेक्ट कोई एलिमेंट या कंपाउंड मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, एक नया कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, एक्सचेंज नहीं करते एक दूसरे से, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, कंबाइनिंग रिएक्शन एक तरह से हो जाती है। ठीक है, ये हमें सिंथेसाइज क्यों होती है, जब हम इनको सिंथेसाइज करते हैं, मतलब अगर हम कोई चीज मिलाते तो हमें नई चीज क्या मिलती है, इससे सिंथेसाइज होती मिलती है। दैट्स व्हाई वी कॉल द सिंथेसिस रिएक्शन आल्सो टू द डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में डीकम्पोजिशन एंड डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, थैंक यू क्लास।